हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस मैं आपको बता दूं, ये मेरी पहली वीडियो है। मेरे पास Realme 1 डिवाइस है, 4GB 64GB वर्जन वाला। गाइस मुझे तकरीबन एक साल हो चुका है इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। एंड जैसा कि हमें पता है, Realme कंपनी ने हमें प्रोमिस किया था कि वो Realme 1 में एंड्रॉयड पाए और कलर ओ एस 6 का अपडेट हमें प्रोवाइड करेंगे। Realme ने 25 जून से स्टेबल वर्जन को रोल आउट करना स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ यूजर्स अब भी ऐसे हैं, कुछ या मैं कहूँ मेजर जो पार्ट है यूजर्स का, वो अब भी ऐसा है जिनको अब तक स्टेबल वर्जन नहीं मिल पाया है। गाइज मेरे पास भी Realme 1 डिवाइस है और आप देख सकते हैं कि मुझे भी अभी तक स्टेबल वर्जन नहीं मिला है और अभी भी मेरा डिवाइस वर्जन 5.2 पे रन कर रहा है। सो गाइज मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा या मैं ये ऐसा प्रोमिस नहीं कर रहा कि मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसे क्लिक करके आपको स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा हूँ। जब तक आपको कलर ओ एस 6 का अपडेट नहीं मिलता, तब तक आप इस तरीके से आप कलर ओ एस 6 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, ये सिर्फ एक थीम है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे ही आप उस लिंक को अपने गूगल क्रोम में या किसी भी वेब ब्राउजर में आप उसे ओपन करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो स्टार्ट होगी। ये एक गूगल ड्राइव का लिंक है, आप इसे सिंपली डाउनलोड करेंगे एंड जहां भी ये आपका डाउनलोडेड फाइल जाएगी, आप सिंपल पहले से डाउनलोड होने दीजिए। कलर ओएस 6 की जो थीम है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, सिंपली जहां पे भी ये डाउनलोडेड फाइल है इसकी लोकेशन पर जाएं। ध्यान रखिएगा गाइस, फाइल मैनेजर में जाना है जो कि इनबिल्ट आता है अपने कलर ओएस 5.0 के साथ। तो कलर ओएस 6 की थीम यहाँ पे मेरे डाउनलोडेड है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ओपन होगा। हमें सिंपली ट्राई नाउ पे क्लिक करना है एंड ये अपने आप अप्लाई हो जाएगी। आप इसे टाइम दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है 5 मिनट ट्राई। सो इसको हमें करेक्ट करने के लिए हमें फिर से सेम टू सेम स्टेप रिपीट करना है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, जहाँ पे भी ये डाउनलोड लोकेशन है आपकी कलर ओएस 6 की थीम की, उस पर आप 3 से 4 बार आपको इसे अप्लाई करना है। गाइस 3 से 4 बार इसे अप्लाई करने के बाद हमें फ़ोन को रिबूट करना होगा। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, हमें फ़ोन को रिबूट करना होगा ताकि ये जो थीम है इसे हम प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। सो हम यहाँ पे फ़ोन को रिबूट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को रिबूट कर दिया है और अभी जो थीम अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास UI आया है वो सिमिलर है कलर ओएस 6 के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नोटिफिकेशन पैनल में भी चेंज मिलेगा आपको, वो अब इस टाइप का आ जाएगा कलर ओएस 6 में। ये एग्जैक्टली कलर ओएस 6 जैसा नहीं है बट ये उसके सिमिलर है, ये आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल के अलावा हमें मैसेजेस में भी आपको एक UI में हल्का सा चेंज दिख सकता है। हम जैसे ही सेटिंग्स में जाते हैं, ये देखिए UI में हमें चेंज मिलता है, एग्जैक्टली कलर ओएस 6 में ऐसा ही सेटिंग्स में हमें मिलता है। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ कलर ओएस 6 की। सो जब तक आपको कलर ओएस 6 नहीं मिलता, आप इस थीम से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।